देखो क्या करते हैं आप, जैसे बीटेक हो, अभी मेरे यहाँ पे आज विक्टोरिया टूल कंपनी आ रखी थी, विक्टोरिया टूल है, देन स्कालफोर्ड कंपनी है, एक मिस्टर बोगल इंडस्ट्रीज है। तो इन लोगों ने बहुत सारे इंटरव्यू लिए, इंटरव्यू लेने के बाद मुझे उनसे बात करके ये समझ आया कि क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है। तो उन्होंने ये सब चीजें मुझे बोला, सबसे पहले कि क्वालिफिकेशन मिनिमम डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। तो डिप्लोमा आप डिग्री कर रहे हो ऑलरेडी, राइट। इसके बाद GDNT है, ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंसेस, राइट। उसमें हर संडे को हमारे यहाँ फ्री क्लासेस होती हैं। उन्होंने बोला GDNT मुझे मस्त चाहिए, विदाउट GDNT मेरे लिए बहुत दिक्कत है। इन बंदे की डिग्री है या नहीं है, डिप्लोमा है या नहीं है, कितने नंबर हैं वो भी फर्क नहीं पड़ता, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि वो GDNT चाहिए चाहिए उनको। फिर उन्होंने बोला सॉफ्टवेयर, क्योंकि NX, उनको NX चाहिए था, किसी को सॉलिडवर्क्स चाहिए, किसी को कैटिया चाहिए, किसी को क्रियो चाहिए। उन्होंने कहा सॉफ्टवेयर कोई एक आना चाहिए, ठीक है। जैसे उनकी कंपनी में NX है तो वो बोल रहे हैं कि मुझे NX ही दे दो तो सबसे बेस्ट रहेगा मेरे लिए। ऑटोकैड मास्टर प्लस उसके पास स्पेसिफिक फील्ड, कौन से फील्ड में उनको एक्सपर्टीज होनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये है डिजाइनर बंडल जो डिजाइन के लिए आप ट्राई कर रहे हो। इसमें सबसे पहले आप ऑटोकैड सीखोगे, ऑटोकैड 2D अनिसोमेट्रिक। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं आपको सिंपली, हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल होता है कि हम आपको एक बुक देते हैं जिसमें 150 के करीब ड्राइंग्स हैं, आपको सारी वो ड्राइंग्स बनानी है। उसमें टाइम लगेगा, 1 से 1.5 महीना लगेगा, जैसे ये बुक है आपको मिल जाएगी। फिर ऑटोकैड मैकेनिकल है, ऑटोकैड मैकेनिकल ऑटोकैड से बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें 7 लाख कंपोनेंट की लाइब्रेरीज है, नट बोल्ट वॉशर बेरिंग सर्कलेट, तो इसमें आप बहुत फास्ट काम कर सकते हो एज कम्पेयर टू नॉर्मल ऑटोकैड, और ये फ्री है हमारी तरफ से, इसके कोई चार्जेस नहीं है। इसके बाद हम आपको प्रोजेक्ट्स देंगे। प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि करीब 250 के करीब ड्राइंग्स हैं, जो कॉलेज से बच्चे आ रहे हैं उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, टॉलरेंसेस क्या होती हैं, डायमेंशन कैसे फिट करते हैं, टॉप फ्रंट राइट सेक्शन व्यूज। तो ये आप करीब 250 के करीब ये ड्राइंग्स आप बनाओगे। इसमें 3D भी दे रखा है, 2D भी दे रखा है, 2D आपको बनाना है, ये सारे पार्ट्स लेंगे, फिर इनकी असेंबली करेंगे, तो आपको ड्राइंग के बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं इसके अंदर। फिर आता है रिकॉर्डिंग, राइट, सॉरी ऑटोकैड 2D अनिसोमेट्रिक, ऑटोकैड मैकेनिकल। 3D डिजाइनिंग के लिए हम लोग सॉलिडवर्क्स यूज करेंगे, ठीक है। सॉलिडवर्क्स में क्या क्या आएगा मैं आपको बता देता हूँ। सॉलिडवर्क्स बेसिकली बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, आज कम से कम 8 से 9 बच्चों के मेरे यहाँ सिलेक्शन हुई है, ठीक है। इसमें सबसे पहले लेते हैं सॉलिडवर्क्स। सॉलिडवर्क्स में हम लेंगे पैरामेट्रिक स्केचिंग, आप 2D स्केचिंग करना सीखोगे, फिर पार्ट डिजाइन करना सीखोगे। पार्ट डिजाइन में जैसे ये 3D के जितने भी पार्ट्स आपको दिख रहे हैं आप ये सब मेरे यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो, पर इन डिजाइन में सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों को मेजरमेंट करना नहीं आता। तो हमारी हर संडे को क्लासेस होती हैं जिसमें हम आपको पार्ट्स को मेजर करना, ड्राइंग्स का पढ़ना, बेसिक GDNT इंस्ट्रूमेंटेशन है, मेजरिंग टेक्निक्स है, इंटरव्यू प्रिपरेशन है, ये हर संडे को आपकी फ्री क्लासेस होंगी, उसमें आप ये कर पाओगे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है सरफेस डिजाइनिंग। कई बार पार्ट कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जैसे एक कट बना हुआ है, इस कट के अंदर आपको प्रॉब्लम है, ये कट बना हुआ है, ये सॉलिड से नहीं बनेगा, सरफेस के थ्रू बनेगा, तो सरफेस डिजाइनिंग आएगा। फिर ड्राफ्टिंग आएगा, 3D से 2D बनाना, टॉप फ्रंट राइट आइसोमेट्रिक सेक्शन व्यूज। फिर असेंबली डिजाइनिंग आएगा, पार्ट्स को असेंबल करना। असेंबल करने के बाद, असेंबल करना ही पड़ेगा क्योंकि अलग अलग पार्ट्स होते हैं बनाए जाते हैं, जैसे इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, असेंबल करेंगे, फिर उनको मैकेनिज्म के थ्रू चला के देखेंगे। मैकेनिज्म में जॉइंट्स, जैसे ये बेल्ट जॉइंट है, ये चेन जॉइंट है, ये गियर जॉइंट्स है, ये सारे मैकेनिज्म आप इस तरीके से चलाओगे। और जो मैंने अभी आपको प्रोजेक्ट दिखाया था 2D से 3D वाला, ये उसकी ड्राइंग है। स्टूडेंट ने पहले 2D में ऑटोकैड में ड्राइंग्स बनाई है, फिर उसको सॉलिडवर्क्स में लेके गए, सॉलिडवर्क्स में बनाने के बाद असेंबली कर दिया। अब जैसे यहाँ पे देखो ये मैकेनिज्म चल रहा है, तो 3-4 तरह के मैकेनिज्म है, वो सारे उस प्रोजेक्ट के अंदर आपके कवर हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड बेसिक सॉलिडवर्क्स। फिर आता है एडवांस सॉलिडवर्क्स। एडवांस सॉलिडवर्क्स में आएगा एडवांस सर्फेसिंग, आप किसी भी तरह के एडवांस टेढ़े मेढ़े पार्ट्स इसके अंदर बना सकते हो। मोल्ड डिजाइनिंग, अब हमारे यहाँ 20% इंडस्ट्री मोल्ड की है, जिसमें प्लास्टिक रबड़ एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग, अब जैसे प्लास्टिक की चम्मच की डाई है ये, तो आप यहाँ पे डाई बनाना सीखोगे, जैसे ये बाउल है तो इसकी ये डाई है, तो ये डाई बनाना आप सीखोगे। ऐसे ही आता है शीट मेटल टूल डिजाइनिंग, अब जैसे विक्टोरिया टूल है, शीट मेटल की कंपनी है, प्रेस टूल शीट मेटल हो गया, स्टैम्पिंग डाइज हो गया, 40% इंडस्ट्री शीट मेटल की है। तो शीट मेटल है तो ब्लैंक डेवलपमेंट उन्होंने लिखवाया कि जो बच्चे शीट मेटल सीख रहे हैं उनको ब्लैंक डेवलपमेंट डाई पंचिंग के बारे में पता होना चाहिए, वो ऑलरेडी हम कराते ही हैं, ठीक है। फिर आता है वेल्डमेंट एंड जिग फिक्चर डिजाइनिंग, तो अब किसी भी कंपनी में वेल्डमेंट हो गया, जिग फिक्चर हो गया। अब वेल्डमेंट क्या है, मशीन डिजाइन है, हर कंपनी में मशीन होते हैं, जिग फिक्चर्स होते हैं, फेब्रिकेशन का काम हो गया, प्लस बेसिक सिमुलेशन।
ओवरऑल देखें तो हमारे पास दो लेवल है, सबसे पहला बेसिक लेवल है, दूसरा ये एडवांस लेवल है। तो दोनों लेवल आप सर्वर्स में कवर करोगे, टोटल 11 मॉड्यूल्स होंगे। नेक्स्ट लेवल पे आता है सीएनसी पीएमसी प्रोग्रामिंग, ये डिजाइनिंग में इंक्लूडिंग नहीं है, इसमें हमारे पास मशीन्स है, सीएनसी भी है बीएमसी भी है, आप मशीन्स के ऊपर डाई काट के अपनी देख सकते हो, ठीक है, जो आपने डाई डिजाइन किया है उसको आप मशीन पे ले जाओ, हम आपको मटेरियल देंगे, कटिंग टूल देंगे, आप उसकी कटिंग कर सकते हो, इसको बोलते हैं वीएमसी प्रोग्रामिंग, पर ऐड ऑन है ये प्लेनिंग। फिर नेक्स्ट लेवल पे आता है आपका रोबोटिक्स, इस टाइम रोबोटिक्स की भी इन्होंने बोला कि दो जॉब है मेरे पास रोबोटिक्स के लिए, विक्टर अटल वालों में, वो हरिद्वार सेंटर में उनके, तो वहाँ पे रोबोट्स के ऊपर दो लड़के चाहिए, तो रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, आप रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग भी सीख सकते हो, ठीक है। अब आप सॉलिडवर्क्स के साथ आपको क्या क्या मिल रहा है, सॉलिडवर्क्स के साथ सबसे पहले मैं आपको दे रहा हूँ बुक्स वगैरह, हर तरह की आपको बुक्स मिल जाएंगी, दो तीन सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, ठीक है, ये हमारी टीम है जो आपको ट्रेन करेगी, सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, प्लस काफ़ी लोग घर जाके भूल जाते हैं कि आपने जो कराया था सर मुझे तो स्किप हो गया, तो हम आपको वीडियो लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है, तो वीडियो में आपको सारे टूल्स वगैरह के नाम नंबर क्या होगा जो हम पढ़ा रहे हैं वो कर सकते हैं। दूसरा मेरा फैकल्टी अगर क्लास ले रहा है आपको लगता है कि आपको अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग करनी है तो आप यहाँ से अपने मोबाइल में भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है, प्लस एक साल का गारंटी कार्ड देते हैं। जैसे अभी मेरे पास आज के इंटरव्यू में कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 6 महीने पहले एनएस किया था, आज उनको इंटरव्यू था तो हमने उनको कल बुला लिया था कि आप आके पूरी प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस करनी है, और उनमें से एक बच्चा सेलेक्ट हुआ है। तो प्रीमियम कार्ड हम आपको एक देते हैं, फिजिकल कार्ड है, इसका फायदा क्या है कि एक साल तक कोई भी प्रॉब्लम हो आप दोबारा हमारे यहाँ पे आके कोर्स कर सकते हो। जॉब असिस्टेंट है 100%, हम आपको, मैं कोशिश करूंगा कि आपको हमारे यहाँ से जॉब मिल जाए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत आएगी। हमारे यहाँ पे बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, हम लोग जॉब्स आपको दे रहे हैं, मेरा ये यूट्यूब चैनल है, ठीक है, आरबीएम कैड के नाम से, इसके अंदर अगर आप सर्च करेंगे आरबीएम कैड फरीदाबाद या आरबीएम कैड सिंपल आप सर्च करेंगे, इस चैनल में अगर आप सर्च देखेंगे ये लोगो है, आप इसको पिक करिए, इसमें डेली हम लोग जॉब्स फीड करते हैं, ठीक है, इसमें आप देखिए कितनी जॉब्स फीड होती हैं, ये जॉब्स हैं, जॉब फॉर इंटीरियर डिजाइनर, जॉब फॉर आरबीएम कैट, सीएनसी वीएमसी प्रोग्राम, एक दिन है, दो दिन, चार दिन, मैंने पिछले एक महीने में करीब 250 जॉब्स मैंने पोस्ट की हैं, ठीक है, आप इसमें से सारी जॉब, जैसे कल आज इंटरव्यू हो रहा है ऑटो कैड सर्विस के ऊपर, 2 दिन पहले लगाया था और उसमें हमारे पास 35 बच्चे आए हैं, कम से कम मेरे हिसाब से 20 बच्चे आज हमारे यहाँ से सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये पूरा कोर्स है कम्प्लीट, आप इसको बढ़िया से कर सकते हो। अब इसकी फीस क्या रहेगी, फीस मैं बता देता हूँ, ऑटोकैड की फीस है 5,000 रुपये, सॉलिडवर्क्स की फीस है 12,000 रुपये, और अगर आपको ऑटोकैड, ऑटोकैड मैकेनिकल, सॉलिडवर्क्स बेसिक, ये पूरा बंडल आपका है 15,000 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी